वेलकम दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं इंडियन बॉय विकी YouTube चैनल। सो गाइज, नए कैंडिडेट लोगों के लिए खास वीडियो है और पुराने कैंडिडेट लोगों के लिए भी। वैसे थंबनेल में आप लोगों ने तो पढ़ लिया होगा कि किस टॉपिक पे वीडियो है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। 2 से 3 मिनट में मैं अपनी सारी बातें को समझा दूंगा आप लोगों को। अगर आपको समझ में आएगा तो गाइज नीचे कमेंट कर देना, वीडियोज को लाइक कर देना। अगर नए हो चैनल पे, अगर आप हमारे चैनल के साथ बने रहना चाहते हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर लेना, ठीक है। तो चलिए गाइस, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम बात करेंगे यहाँ पे स्पेशली एक ऐसे चैनल है जो कि आपको बहुत अच्छा सा ज्ञान दे रहे हैं। वो ज्ञान ये है कि नए कैंडिडेट मतलब 2021 में जो वैकेंसी भी आ रही है, ठीक है, 25 मार्च से 26 मार्च तक जो में भी आ जाए, क्योंकि SSC अपने ऑन कैलेंडर के हिसाब से काम कर रही है, रिजल्ट भी टाइम पे दे रही है और आपका वैकेंसी भी टाइम पे रिलीज कर रही है, तो वो भी आपका 25 से 30 तक जो है आपका वो मार्च में वैकेंसी आ जाएगा। अब उसमें क्या बोल रहा है कि नया रूल आ गया है SSC GD में। अरे मेरे भाई, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया तो नया रूल कहाँ से आ जाएगा, पहली बात ये। अब उस वीडियोज में कहा किया जा रहा है कि यहां से फॉर्म अगर भरोगे तो यहां से आपका सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि वहां का कट ऑफ कम जाता है। अब भाई, अगर मैं बिहार से हूं, ठीक है, वैसे तो मैं बिहार से ही हूं, अब मैं बिहार से हूं, अगर नागालैंड का कट ऑफ कम जाता है तो क्या मैं वहां से फॉर्म भर के मतलब SSC GD में क्वालिफाई कर सकता हूं? ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन उन्होंने वीडियो में कहा, क्या कहा, कि ऐसा हो सकता है, आप वहां से फॉर्म भर सकते हो। सबसे पहली बात तो गलत बात यह है कि आप कहीं अदर स्टेट से फॉर्म नहीं भर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको परमानेंट एड्रेस होना जरूरी है। जहां से अगर आप परमानेंट एड्रेस दोगे वहीं से आपका जो है फॉर्म और आपका जो भी है रिजल्ट, कट ऑफ, मेरिट वहीं का ही बनेगा, ठीक है, वहीं का जो भी कैटेगरी से बिलोंग करोगे या फिर SC ST नक्सल जो भी हो वहीं से बनेगा, ठीक है। अब जैसे मैं बिहार से हूं, अब मैं सोचूंगा कि नागालैंड से फॉर्म भर दूं, नागालैंड में फॉर्म तो भर दिया भाई, चलो ठीक है, वहां पे एड्रेस भी कुछ भी मेंशन कर दिया तुमने, ठीक है, एग्जाम भी दे दिया, फिजिकल में क्या करोगे? जब रेसिडेंस परमानेंट प्रूफ मांगेगा कि तुम कहाँ के निवासी हो, तो क्या तुम नागालैंड का दोगे या फिर बिहार का दोगे? बिहार का दोगे तो भाई बिहार का ही सारा कुछ होगा, नागालैंड का तो तुम दे नहीं सकते हो अदर स्टेट का। तो ये सब जो बातें कही जा रही है ना वीडियो में, अभी से ही कैंडिडेट लोगों को बरगला रहे हो या फिर भ्रमित कर रहे हो, तो ऐसा मत करो यार। कुछ पैसों के लिए इस तरह से डेली दिन में 4 बार, कम से कम 4 से 5 बार तो तुम इस ऐसे ही सी टॉपिक वीडियो डालते हो। एक तो तुमको वीडियो का टॉपिक डालने आता नहीं है, ट्रेनिंग में सैलरी नहीं बचेगा, खाने का टाइम नहीं मिलता है, पॉटी करने का टाइम नहीं मिलता है, पॉटी करने का कब टाइम मिलता है, इस टाइप से वीडियो अगर आप पोस्ट करोगे, क्या ये सब कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा जानकारी अगर आप उस विभाग में हो तो भाई अच्छे से जानकारी रखो ना कि क्या है, होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे वीडियो से आप लोग दूर रहो। मैं तो बस यही कहूंगा अपने सब्सक्राइबर लोगों से, अपने मेंबर्स लोगों से जो भी ग्रुप में है, कल मैंने डिस्कस किया था ग्रुप में भी इस बात को लेकर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, और आपको जो भी अभी नए कैंडिडेट देख रहे हैं इस वीडियो को, तो प्लीज गाइज मैं आप लोगों से बस ये एक रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो गाइज, किसी भी टॉपिक पे अगर यूट्यूब पे वीडियो सर्च करते हो ना, तो किसी एक चैनल पे मत रहो, 2-3 चैनल को मिला के उस टाइप से वीडियोस को सर्च करो कि जहां से आप संतुष्टि हो सको। अगर आपने वीडियो देख लिया तो आपने आसपास के जानकार लोगों से उस वीडियो, उस टॉपिक से ऊपर पूछो कि क्या गया, ये सही बता रहा है या फिर गलत बता रहा, ठीक है, उसी के भरोसे मत रहो। अब ऐसा बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि उनके वीडियोस पे विश्वास कर लेंगे, अब तो फॉर्म जैसे आ गया, फॉर्म भर दिया, उस टाइप से भर दिया वो कि कहीं अदर स्टेट से भर दिया फॉर्म, जब वो लटक जाएगा फिजिकल में पूछेगा कि भाई रेसिडेंस कहाँ का है भाई परमानेंट, वो तो भाई बिहार का दे देगा या फिर जहां पे हो वहां का दे देगा, बोलेगा नागालैंड का तुमने एड्रेस दिया है, तब वहां सोचेगा भाई एकेडमी वाला हमको बोला था कि यहाँ से फॉर्म भरने पे सिलेक्शन हो जाता है, तब वहां कोई एकेडमी वाला काम नहीं देगा, ठीक है। तो जानकारी सही रखो और सतर्क रहो फेक वीडियो वगैरह से, और कुछ नहीं, बाकी बस आप तो हो ही होशियार, ठीक है ना। तो ये सब टाइप से वीडियो से दूर रहो, ठीक है। और अभी तक आप वेट कर रहे हो गाइस की स्टडी करना, ग्रुप पे स्टडी कहाँ करे नहीं करे, तो गाइस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे आपको टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा हम लोगों का, जो कि काफी अच्छे तरीके से हम लोग वहाँ पे स्टडी चल रहा है डेली बेसिस पे। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब और जो है सारे सब्जेक्ट्स को भी हम लोग वहाँ पे स्टडी करेंगे, तो अगर आप चाहो तो आप वहाँ पे ऐड हो सकते हो, ठीक है। हाँ, ऐड तभी होना भाई जब तुम एक्टिव रहोगे, एक्टिव नहीं रहोगे भाई तो सीधा ग्रुप से बाहर कर दूंगा, ठीक है। ऐसे बहुत ऐसे कैंडिडेट जो भी ग्रुप को बाहर हो चुके हैं वो दोबारा ऐड भी नहीं हो पा रहे मेरे से, तो उनके लिए सॉरी भाई,
चलो तो यही बात थी आप लोगों के साथ करना, और थोड़ा शर्म कर लो भाई, यूट्यूब वालों जितने भी है SSC GD टॉपिक से वीडियो बनाते हैं, थोड़ा शर्म कर लो। कहीं चुल्लू भर पानी हो तो थोड़ा सा उसमें मुंह धो लो, डूबना मत, मुंह धो लो, ताकि समझ रहे हो ना। चलो ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, चलो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।